बालाजोरी ब्लॉक में स्वर्गीय श्री नागेंद्र तिवारी जी उनके साथ पिछले 3 महीने से मानसिक प्रताड़ना की जा रही थी, ढेर सारी धमकियां दी जा रही थी कि आपको यहाँ काम करने नहीं दिया जाएगा, आपको यहाँ से भगा दिया जाएगा और ज़्यादा हमारे बीच में अड़चन डालिएगा तो आपको जान से मार दिया जाएगा। और ये प्रताड़ना सहते सहते उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई कि वो कुछ सोचने लायक भी नहीं रह गए। पिछले 25 दिन पहले वो हमारे घर पे छुट्टी पर उन्होंने पापा को फ़ोन किया कि भैया हम आ रहे हैं, बहुत मानसिक टॉर्चर में हम, ठीक है तुम आए नीचे करें ना। तो वो आए हमारे पास, तो हमने उन्हें देखा, हमारे यहाँ से आंसू निकल गया कि ऐसा 2 महीने में 20 किलो वजन उनका घट गया, ऐसा टॉर्चर हो गया था उनका, पूरा हत्या है। हमने FIR दर्ज कराया जुगलाई थाने में। उन्होंने कहा कि अब मुझे वहाँ जाना नहीं है वापस, मैं जाऊँगा तो मार दिया जाएगा। और पिछले 4-5 दिन से कह रहे थे कि मुखिया मुझे मार देगा। नहीं, इतना प्रताड़ना हो रहा था, क्या कोई होम सेक्रेटरी को भी लिखा था, लेकिन कोई जांच की वहाँ से कोई गुंजाइश नहीं मिली। सीएम को पत्र लिखे थे, पता नहीं वहाँ ब्लॉक पे ही लिखे थे, वो कुछ बोलते नहीं थे, अपने मन में बहुत ही मतलब मुश्किल घड़ी में ही कुछ मुँह से निकालते थे, अपने मुख से आखिरी शब्द ये कुछ हमें पता चला है। और बाकी तो उनके मोबाइल में जो डेटा था, लेकिन मोबाइल की प्राप्ति नहीं हुई अभी तक। 1 महीने से छुट्टी में थे तो यहाँ पे कोई धमकी आता था फोन पे? यहाँ पे फोन पे वो क्या, वो हमारे बीच में हमारे सामने रह के कुछ किसी से बात नहीं करते थे, वो अकेले में ही रह के बात करते थे। कोई सरकारी फोन आता था या किसी का फोन आता था तो वो साइड में जाके अकेले में बात करते। अब क्या बात करते, उनके मोबाइल से ही पता चल सकती है उनके मोबाइल में क्या क्या डेटा बेस थे। हाँ, वो क्या था कि आखिरी समय में उन्हें एक उनका स्टूडेंट था वो जेल चौक पे छोड़ के गया और वो फिर वहाँ से टेम्पू करके शायद वो मेरे एक भाई बड़े पिताजी के लड़के हैं तो उन्होंने उन्हें 12:25 में फ़ोन किया हजारीबाग से। तो पूछा कि चाचा आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मुझे किसी आदमी से मिलना है, किसी आदमी ने मिलने के लिए बुलाया है जुगलाई में। और वो टेम्पो से वहाँ उतर रहे थे और वो फ़ोन पे ही थे और वो चेंज दे रहे थे टेम्पो वाले को। तो टेम्पो वाले को उन्होंने कहा कि भाई 80 रुपये काटो, तो वो बोला नहीं नहीं आप इतने दूर से आ रहे हैं 100 रुपया। तो चाचा ने कहा ठीक है रख लो 100 रुपया, 20 रुपये चेंज के लिए, वो बताइए आदमी जो उसको जिसको अगर आदमी को जीवन से अगर कोई प्रेम मोह माया नहीं रहेगा वो 20 रुपया 5 रुपया 10 रुपया क्यों बात करेगा किसी से। ठीक है जाओ, टेम्पो वाले को 100 रुपये उन्होंने दे दिया और वो वहाँ से फिर अपने कहाँ गए वहाँ। फिर हमें राज्य सरकार से हम यही मांग करते हैं कि सीबीआई जांच हो और जितने भी जो सस्पेक्ट जितने भी हैं सबको कस्टडी में लिया जाए और सबसे इंटोग्रेट किया जाए और जो जो उनकी मतलब मानसिक प्रताड़ना की जो जो बात आ रही है उन सबका खुलासा हो। मंत्री से क्या, मंत्री जी घर पे आए हैं, मंत्री जी हमारे सामने आए, हमें अच्छा लगा कि हमें उन्होंने ढांढस बांधा। लेकिन ये सिर्फ ढांढस बांधने से नहीं होगा, हमें आगे की कार्रवाई चाहिए, इंसाफ चाहिए, जल्द से जल्द चाहिए, तुरंत चाहिए। उम्मीद दिखती तो जैसे ऐसे पदाधिकारी की मृत्यु हो जाए जो कि ईमानदार छवि का था, मतलब ये तो नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। अब हम तो सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं, अब जितने जल्द से जल्द उम्मीद मिले तभी भी मानेंगे सरकार ने हमारे साथ इंसाफ किया। हमारा नाम सुमित कुमार तिवारी हुआ।